हरियाणा के विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, शीतकालीन सत्र की क्या कुछ कार्यवाही चल रही है सुनाते हैं आपको। काम नगर पालिका का है, नगर पालिका को ही डालना चाहिए, परंतु पहले शायद ये हिस्सा नगर निगम में था और वहाँ पर पब्लिक हेल्थ इसका काम कर रहा था। ये इन्फॉर्मेशन भी हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से गैदर करके दी है कि उन्होंने यहाँ पर लैंड एक्वायर की हुई है। हम इस के ऊपर हमारी कई मीटिंगें भी हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि एक शहर में एक एजेंसी काम करे, चाहे तो लोकल बॉडी करे चाहे पब्लिक हेल्थ करे, लेकिन करे एक एजेंसी। लेकिन वो काफ़ी इंटरमिंगल हुआ हुआ है सारे हरियाणा में, कहीं पर पब्लिक हेल्थ कर रहा है, कहीं पर हुड्डा कर रहा है, हुड्डा नहीं हुड्डा तो हमने नाम बदल दिया, HSVP कर रहा है, वो थोड़ी सी गलतफहमी होती थी इसलिए बदल दिया, HSVP करता है, और कहीं पर नगर निगम या नगर पालिका करती है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि एक शहर में एक ही संस्था काम करे, जो विधायक साथी ने बताया है इनकी चिंता वाजिब है। मैं इसको री एग्जामिन करवाऊंगा, जो जगह उन्होंने की हुई है उसको छोड़कर दूसरी कोई और व्यवस्था कैसी हो सकती है। मैं विभाग से इसकी सीवरेज की सारी जो है रीडिजाइनिंग करवाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम शहर को सीवरेज की जो सुविधा है वो जल्दी दे सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ। 2018 में म्यूनिसिपल कमेटियाँ बनाई आपने, बास और सिसाई। सिसाई भी उतना ही बड़ा गांव है जितना बास है, दो पंचायतें। आज तक कोई काम नहीं हुआ। शहर बनाने का फायदा क्या? बेसिक चीज, बेसिक सबसे बड़ी फैसिलिटी सीवरेज की है, सीवरेज भी नहीं, दफ्तर भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे जाए गाँव में। मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा ध्यान दे के, और जितना इस समय सिस्टम चल रहा है, मेरे दिमाग से तो आप बड़े ईमानदार और बड़ी आदमी हो, लेकिन करप्शन का कोई ठिकाना ही नहीं है, हर एक साथ पर उल्लू बैठे हैं। आप इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करो मेहरबानी करके। डॉक्टर किशनलाल मिड्डा जी, 1465 जी, उत्तर सदन के पटल पर है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सही है, डी प्लान का 21-22 का जो डी प्लान का पैसा है उसको वितरण उपरोक्त नियमों के अनुसार नहीं किया गया? क्या यह भी सही है कि आंकड़ों को प्रस्तुत करते समय एक विधानसभा क्षेत्र के और दूसरे विधानसभा क्षेत्र के गाँव को साथ में जोड़ा गया? मंत्री जी, डी प्लान के अंतर्गत सरकार द्वारा जिलों की राशि जनसंख्या के आधार पर, जो बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और विधायक साथी ने पूछा 2021-22 का, बिल्कुल सही रेशो के अनुसार उसे बांटा गया है, और विधायक साथी कोई भी अगर लिस्ट लेना चाहे तो उनको लिस्ट भी दे दी जाएगी। फोटो के साथ ही लेकर आया हूँ, जींद को 3 करोड़ 65 लाख रुपये और 23 लाख रुपए का है, जिसमें मेरे को लगभग 2 करोड़ रुपया दिया गया है। ये कॉपी साथ में ही है जी। जींद में 2021-22 में 3 करोड़ 29 लाख 73 हज़ार रुपये डी प्लान में बंटवारा हुआ है, 3 करोड़ 29 लाख 73 हज़ार रुपये, और लिस्ट आपके सामने रखी हुई है, उसमें आप चेक कर लें। मैं सारी रिपोर्ट के अनुसार मेरे क्षेत्र के गांव, जुलाना के क्षेत्र के गांव मेरे से ही जोड़कर लाए गए हैं, ये बकायदा सूची है। चलिए एक बार मंत्री जी, इस प्रकार की मंत्री जी बात है करके कोई तो उसको चेक करवा के आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। कहाँ जी, ये इसी जींद की है आज जींद। सर जी, मेरे को विधायक के तौर पे डी प्लान की मीटिंग में बुलाने तक भी जरूरी नहीं समझा जाता। पिछले 2 साल से मेरे से पूछ के 500 रुपये भी डी प्लान के नहीं बांटे गए, और उसके साथ साथ ना ही मीटिंग में बुलाया जाता, और मैंने दोनों हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी है, प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं।